दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्सुटिज्म या फिर अनवांटेड हेयर्स। तो दोस्तों समझेंगे हर्सुटिज्म होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्सुटिज्म होता क्या है, महिलाओं में पुरुषों की तरह जैसे पुरुषों को हेयर्स होते हैं, फेस पे हेयर्स हो गया, चेस्ट पे हेयर्स हो गया या बैक पे हेयर्स हो गया, सेम उसी तरह महिलाओं में भी अनवांटेड हेयर्स दिखाई पड़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हर्सुटिज्म। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका कारण होता है एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से हर्सुटिज्म होता है, पहला कारण। दूसरा जो कारण होता है पीसीओएस या पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से भी हर्सुटिज्म होता है। नेक्स्ट जो रीजन है कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम की वजह से भी अनवांटेड हेयर्स या फिर हर्सुटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री, यदि उस महिला की फैमिली हिस्ट्री में किसी को जैसे उसकी नानी को, उसकी मदर को या फिर उसकी सिस्टर को यदि अनवांटेड हेयर्स है, हर्सुटिज्म है, तो उस महिला को हर्सुटिज्म होने के चांसेज दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि होम्योपैथी में इसका कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो है थूजा वनियम को क्या करना है, स्टार्ट मेडिसिन जो हर्सुटिज्म का पेशेंट आता है तो उसका ट्रीटमेंट थूजा वनियम से ही स्टार्ट करना है। सिर्फ एक डोज देना महीने में एक बार। फिर क्या करना है, 24 आवर तक कोई मेडिसिन नहीं लेना। फिर जो नेक्स्ट मेडिसिन है REPL की 53 नंबर्स, ये भी बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। इसको क्या करना है, 15 बूंद आधा कप पानी में सुबह शाम देना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है ओलियम जैक 3X को क्या करना है, 2 टैबलेट सुबह शाम इसको गुनगुने पानी के साथ देना है, बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। थैंक यू।